लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जो 4 जून के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ वो जारी है। पहले दिल्ली में बैठक हुई, लखनऊ में बैठक हुई, फिर बीच में सरकार और संगठन में खींचताछ की बात सामने आई, फिर किशोर प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद भी सरकार में लगातार जो एक दूसरे पे जो खींचतान है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर आ रही है कि संघ के बड़े पदाधिकारी जो कोऑर्डिनेशन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय का काम देखते हैं, अरुण कुमार जो सर सहकार्यवाहक हैं वो लखनऊ पहुंचे हैं और सरकार संगठन और संघ के बीच में बैठक होनी है और ये बैठक आज कल और परसों यानी 3 दिनों में किसी भी दिन हो सकती है। हालांकि वो पहुंच गए हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बनारस का दौरा लगा हुआ था, क्योंकि 2 दिन के बाद श्रवण मास शुरू हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का जो पूरा महीना है वो माना जाता, तो उसकी तैयारियों के लिए वो काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे, वहाँ बैठक करनी थी। दूसरी तरफ क्षेत्रीय कार्यसमिति में हिस्सा लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज जाना था, इन दोनों का दौरा कैंसिल कर दिया गया है। और ख़ास तौर पे जो बीजेपी की कोर कमेटी है और कुछ सीनियर मंत्री हैं उनको संघ की तरफ से मैसेज आया है कि लखनऊ न छोड़ें, यानी 3 दिन तक लखनऊ में रहना होगा और किसी भी समय बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बढ़ते विवाद के बीच अब संघ दखलंदाजी करेगा और दोनों गुटों के जो संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, बैठ करके जो चीज़ें सामने निकल आ रहे हैं जिसकी वजह से विवाद हो रहा है वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार एक दूसरे पे आरोप मढ़ा जा रहा है और लगातार जो कैंडिडेट चुनाव हारे हैं वो सरकार पे और अधिकारियों पे तंज कस रहे हैं कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार मनमाने रवैये की वजह से हारे हैं। और बीजेपी ने जो केंद्रीय नेतृत्व को यूपी बीजेपी ने रिपोर्ट दी है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि अधिकारियों की मनमानी से और अग्निवीर की भर्ती आरक्षण जैसे मुद्दे पे, क्योंकि संविदा की भर्ती की गई उसमें आरक्षण नहीं लागू किया गया, कई ऐसे मुद्दे हैं जो एक तरीके से कहा जाए कि सरकार की तरफ इशारा किया कि सरकार के मनमाने रवैये की वजह से ये चीज़ें जनता तक गई और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था वो इनडी गठबंधन के साथ चला गया, यानी सपा और कांग्रेस के साथ चला गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 2022 में 62 सीटें जीती थी वो सिमट के 33 पे आ गई। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संघ और योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट के कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनके साथ बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ कुछ सीनियर मंत्री भी बैठक में जाएंगे। हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है कि किस दिन बैठक होगी, लेकिन संघ के जिस पदाधिकारी को बैठक करनी है वो लखनऊ पहुँच गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी उत्तर प्रदेश में समन्वय बनाने के लिए जो गतिरोध लगातार बना हुआ है, जो एक दूसरे के बीच में दूरी है, जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसको संघ जो है खत्म करने के लिए लखनऊ संघ के जो सहकार्यवाहक हैं वो पहुंचे हैं और बीजेपी और संघ के बीच में समन्वय देखते हैं, तो इन समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही उपचुनाव के साथ साथ आने वाले दिनों में जो संघ का रोडमैप है उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश देंगे कि कैसे काम करना है, क्योंकि जिस तरीके के खास तौर पर दलित और ओबीसी और भारतीय जनता पार्टी से फिसला है उसको लेकर के भी संघ कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।